एक्सपेक्टेशंस। भाई क्या हुआ, आज इतना सैड क्यों है तू? कुछ नहीं ब्रो, बस एक बात बोलना था तुम लोगों को। हाँ बोल ना भाई। मैं फ्री फायर खेलना छोड़ रहा हूँ। क्या भाई बोल दे कि ये बात शॉर्ट वीडियो वाला रिडीम कोड के साथ झूठ है। नहीं मेरे भाई सच बोल रहा हूँ। पर भाई क्यों, ये तो बता। बोर हो गया हूँ भाई, एक ही गेम डेली खेल खेल के। अच्छा तो तुझे अब हमारे साथ गेम खेलने में भी बोर लगने लगा है? जाने दे भाई, लगता है ये भूल गया है वो दिन जब हम लोग कितने मजे में एक साथ गेम खेला करते थे। भाई भूल गया वो दिन जब हम लोग कैसे सोलोमन भाई की ड्राइविंग स्किल लेके जीप में घुमा करते थे। जब हम लोग साथ में मजदूरों की तरह रैंक पुश किया करते थे। जब डैमेज तो तू देता था पर किल मेरा हुआ करता था। भाई भूल गया वो पुराने दिन, इतना पुराना है कि मैं खुद भूल गया। जा भाई जा, जी ले अपनी जिंदगी। अरे यार तुम लोगों ने तो इमोशनल कर दिया। नहीं जाऊंगा भाई ये गेम और तुम्हारी कभी दोस्ती छोड़ के। ये हुई ना बात रियलिटी। गाइस मैं ये गेम छोड़ के जा रहा हूँ। सच में? क्या भाई अब रोने मत लगना यार, मैं इमोशनल हो जाऊंगा। भाई जाने से पहले अकाउंट का आईडी पासवर्ड दे के जाना। अगर फ्री फायर के कैरेक्टर्स बात कर पाते। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ इन फ्री फायर वालों ने आखिर मुझे गेम में रखा ही क्यों है। पहली बात मुझे तो लेके कोई खेलता नहीं, दूसरी बात तो है ही नहीं यार। पहली बात तो सुन लो यार, यूज तो छोड़, मेरी तरफ तो कोई देखता भी नहीं। मैं देखता हूँ ना आपके तरफ। क्या बोला? मतलब यार मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है। पहले मैं सब कैरेक्टर्स का हुआ करता था शिकारी, अब मुझे साला इन लोगों ने बना दिया है दो कड़ी का भिखारी। वैसे आज आप बहुत अच्छी दिख रही हो। अरे थैंक्स। आपका नंबर मिलेगा? अभी क्या बोलूं? प्लेयर्स को तो मेरा याद तभी आता है जब उनको कोई नूप प्रैंग या रेयर आइटम चाहिए होता है। साला मजाक बना के रखा है। अब तो बस एक ही चीज बदलने से सब ठीक हो सकता है। कौन सी चीज भाई? बताऊंगा पर उससे पहले फ्री फायर प्लेयर्स दूसरी दुनिया में। अपने पैसों का घमंड मेरे को मत दिखा भाई। अबे भीख मांगे क्यों ना दिखाऊं? वैसे भी मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, 150 रुपए का बैंक बैलेंस है। तेरे पास क्या है बे? मेरे पास बोलना, बोलती क्यों बंद हो गई? मेरे पास आदम कैरेक्टर है। अबे भाई मैं कोई सपना दिख रहा हूँ क्या? इतना रेयर कैरेक्टर और इतना रेयर बंडल वाला बंदा मेरे सामने खड़ा हुआ है। आई कांट भरोसा। कलेक्शन वर्सेस करेगा? हार जाऊंगा भाई। मैं तो आपको भीख मांगा चप्पल की ओर समझता था, पर आपने तो ये सब दिखा के अमीर होने का शोर मचा दिया। अबे देख इसके पास आदम कैरेक्टर है। हटोगे मुझे फोटो खींचने दो भाई। माइक कौन कर दो ना एक बार। ओ अच्छा एटीट्यूड। हाँ भाई बोलो। भाई आप तो बात भी करते हो, मेरा जिंदगी झंड हो गया। अबे जिंदगी सफल हो गया बोलते हैं। मत मारना भाई, मैं आपका फैन हूँ। अरे भाई ने उड़ा दिया। भाई आप तो सोलोमन भाई निकले। सॉरी भाई पता नहीं था। भाई आपको पता है ये बंडल और ये कैरेक्टर का फ्री फायर में कितना क्रेज है? सब इसे पाना चाहते हैं और मैं भी। भाई और एक बात बोलूं? बोलो। आपकी आईडी दे दो ना भाई मुझे। नहीं भाई आपको आपके बनियान की कसम। कुछ भी भाई आप मुझे अपना भाई समझते हो तो दे दो। कौन हो भाई आप? अगर रोहित फ्री फायर खेले। ये दुनिया बहुत खराब है माँ, ये दुनिया बहुत खराब है। क्या हो गया रोहित भाई? मैं थोड़ा अच्छे से गेम क्या खेल नहीं पाता, मुझे सब नुबड़ा बोलते हैं, बॉट बोलते हैं। ये दुनिया बहुत खराब है भाई। रोहित मेरे भाई तू डीपीआई यूज कर। डीपीआई? ये क्या होता है? डीपीआई ऐसा चीज है जिसने नूब को प्रो बनाया है, प्रो को लेजेंड बनाया है, लेजेंड को कुछ नहीं बनाया है। क्या ये ट्रिक सच में काम करेगा भाई? हाँ भाई, वैसे भी तू इंसान है, दीवार थोड़ी ना जो तुझको चूना लगाऊंगा। थैंक यू दोस्त। अब जा रोहित, जी ले अपनी जिंदगी। माँ मेरे अंदर फिर से जादू की शक्ति आ गई है माँ। आईला मैं तो प्रो बन गया माँ, जादू साले नीले डायनासोर। एक तरह जाने के बाद भी तेरी पादू जैसी ताकत मेरे पास है। टू 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 क्या करता है बे? अबे ट्रांसलेट करके बोल। नुबड़ा है तू। अबे नुबड़ा होगा तू, मैं तो प्रो प्लेयर हूँ। एक महीने बाद ये मेरे मोबाइल को क्या हो गया? माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है माँ। और फोन चला। दोस्त ये मेरे मोबाइल को क्या हो गया है? ये सब डीपीआई की वजह से हुआ है। क्या? और यूज कर डीपीआई नुबड़ा कहीं का। जादू मेरा हेल्प करना। निकल नुबड़े। ये दुनिया बहुत खराब है माँ। अगर फ्री फायर का डायमंड बात कर पाता। अबे कभी मुझे भी टॉप अप कर लिया कर। पैसे कौन देगा तेरा? ए बाप पे जाना नहीं। अबे नोबिता तो इतनी बार टेस्ट में जीरो नहीं लाया होगा जितना तू मुझे जीरो पे रखता है। भाई तुझे क्या लगता है, मुझे बुरा नहीं लगता होगा? अरे तू मेरा भाई जैसा है यार, तो तू मुझे जीरो से आगे बढ़ाएगा ना? बिल्कुल भी नहीं। अबे यार इससे अच्छा तो मैं लोकेश गेमर के अकाउंट में चले जाता। जा भाई तू जा। जा भी तो नहीं सकता, वो डायमंड को डस्टबिन के जैसा यूज करता है। गोल्ड भाई आप थोड़ा हेल्प कर दो ना, मेरा अकेलापन दूर कर दो ना। अबे सॉरी भाई मैं लड़का हूँ, मुझे आज भी वो पुराने दिन याद है जब प्लेयर्स को एड देखने पर डायमंड्स मिला करते थे। पर ना ही वो पुराने दिन वापस आएंगे और ना ही वो पुराने दिन वाला मजा।